अल्लाह डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम आपका मैंने अभी प्रोग्राम देखा और आप माशाल्लाह यूके आए हुए तो इट्स ए प्रविलेज आपके आप मेरे घर पे आए हुए तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा कि आपसे एक सवाल पूछूं hmm. जो कि नॉर्मली लोग ऑनलाइन नहीं पूछ रहे हैं मगर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दू के जो मुस्लिम पेरेंट्स पाकिस्तान कम्यूनिटी और जो कल्चरल पेरेंट्स हैं उनको इसका जवाब चाहिए और आपसे बेहतर बंदा कोई नहीं हो सकता इसका जवाब देने के लिए क्योंकि आप मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं और Uh, अब अप्रिंग अब पेरेंट्स को इसका मशवरा दे रहे हैं जैसे मेरी भी डॉटर है वो फो ए ना फेज़ की है और इस तरह मेरे दोस्त भी हैं जिनके और मेरे काफ़ी रिश्तेदार हैं उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं यहाँ पे और आपको पता है कि यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सी ओपन है यू कैन नॉट से यू कैन नॉट इन्फ्लुन्स एजुकेशन जो दी जा रही है उसको आपको एक्सेप्ट करना है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एजुकेशन लाइक सेक्स एजुकेशन उसके अंदर फिर uh, आपका जेंडर आइडेंटिफिकेशन आद इश्यूज हैं आजकल तो आप माशाल्लाह समझते हैं कि वो आइडेंटिफिकेशन इश्यूज कौन से हैं जब बच्चा घर पे आता है आपसे ये सवाल पूछता है कि बाबा व्हाट डू यू थिंक इट आप गो फ्रेंड्स सेइंग दिस आप गो टीचर्स सेइंग दिस आई लर्न दिस फ्राम दिस एडवर्टीज़मेंट आई लर्न दिस फ्राम दिस मूवी उसमें एक माँ बाप जो हैं हम जैसे जो लोग हैं जो कल्चरल भी रहना चाहते हैं एक सोसाइटी में भी रहना चाहते हैं इधर ही अपने अपनी अपब्रिंगिंग करना चाहते हैं बच्चों की आ, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए बहुत ही डालामा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप इसका प्लीज़ मुझे इसका जवाब बताइए जी बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी बहुत बहुत शुक्रिया और देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मसला सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड और यू का ही नहीं है क्योंकि अब दुनिया तो आपकी पाम के ऊपर मौजूद है यहाँ तो इसलिए पाकिस्तान में भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि लेकिन पाकिस्तान में एक थोड़ा सा यानी उस सोसाइटी में एक तरह का कल्चर है ना कि आप स्नब कर देते हैं चुप करो ऐसी बातें नहीं पूछते चुप करो ऐसी बातें नहीं करते चुप करो बस लेकिन ऐसा करना ऐसे ही होता है कि जैसे हम एक जख्म के ऊपर पट्टी रख के समझें कि यह छुप गई है लेकिन ज़ख्म तो अंदर मौजूद रहता है ना तो इसी तरीके से ये बहुत ज़रूरी है और ये एडवाइस सिर्फ वेस्ट में रहने वाले मुसलमान वालदेन के लिए ही नहीं है बल्कि ये जो बैक होम भी जितने हैं वालद उनके लिए भी है पहली बात तो ये है कि जो एजुकेशन रिगार्डिंग सेक्स है जिसको हम एडल्ट एजुकेशन कहते हैं या सेक्स अवेयरनेस कहते हैं ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि खाना कैसे तमीज़ से खाना है और खाना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्ट है आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं तो इस तरीके से जो इंसानी ज़रूरियात में से जो जिन्स की जरूरत है जो कि एक अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर है तो उसकी भी तालीम देना बच्चों को यह वालदेन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैंने एक छोटा सा सर्वे किया और सौ लोगों से पूछा कि आपने अपनी लड़कों से कि आपने अपनी सेक्स एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी तो उसकी बुनियाद पर मैंने बहुत दफ़ा अपनी टी अपनी टीव, वीडियोस में बताया है कि उनमें से शायद एक बच्चा या दो होंगे जिनके पेरेंट्स ने इनकम्प्लीटली उनको कुछ बताया था भी नहीं इनकम्प्लीटली और अक्सर ने ये तालीम हासिल की अपनी क्लास के या मोहल्ले के एक ऐसे लड़के से जो उनसे दो चार साल बड़ा था <laughs> और वो अजीब अजीब आदतों में था वो बंदा तो उनसे तालीम आप देखिए कि वो किस किस्म की तालीम होगी और दूसरा यह है कि वो सिर्फ तालीम नहीं होगी बल्कि वो तरबियत भी होगी कि किस तरीके से उसने उसको डेमोस्ट्रेट किया होगा और ये बहुत बड़ी आयरनी है इसीलिए आप पाकिस्तान में देखिए कि सेक्स लाइफ के बारे में आपको बहुत सारी ऑब्सेशन नजर आती हैं आप सड़कों पर लिखे हुए बोर्ड और अखबारों में छपने वाले इश्तेहार को देखिए तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से सेक्स से रिलेटेड बीमारियों को एक साइकोलॉजिकल टैबू बना के और उसके ज़रिए से लोग उसको लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और आपने जो इशारतन बात की है कि दुनिया में आज कल एक ये जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन और जेंडर परसेप्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कैसे डिटर्मन होगा कि किसी का जेंडर क्या है और क्या ये बात ऑलरेडी बायोलॉजिकली डिटर्मेंड है या ये चीज़ एक परसेप्शन से यानी रिलेटेड है कि आप अपने लिए फ़ैसला करते हैं कि मेरा कौन सा जेंडर होगा या जो बायोलॉजिकली आपको जेंडर दिया गया है आपने उसकी बुनियाद पर फ़ैसला करना है इस सिलसिले में इस सिलसिले में कोई बात इस सिलसिले में दुनिया में बहुत यानी बातें हो रही हैं और वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में भी ये शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटियों में लोग इससे में बात करते हैं अब करें क्या इस सिलसिले में मेरा ये ख्याल है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जब हम बच्चों की डेवलपमेंटल एज में वो वक्त आए कि जब उन्हें ह्यूमन अनेटमी का पता होना चाहिए तो जहाँ आप उनको कहते हैं दिस इज़ माई नोज़ दिस इज़ माई टंग दिज़ आर माई आईज़ दिस इज माई चेस्ट दिस इज माई हैंड तो उनको अपने जेनेटिलिया के बारे में भी पता होना चाहिए और इस सूरत के अंदर आप उसको एक नॉर्मल और फिर उनको ये भी बताएंगे कि जिस तरीके से खाना खाना एक बड़ा प्लेजरेबल काम है लेकिन खाने के सिलसिले के साथ कुछ पाबंदियां हैं मसलन आप किस वक्त खाएंगे किस वक्त नहीं खाएंगे आप किसी और का चुराया हुआ खाना नहीं खाएंगे आप सड़क पर खड़े होकर नहीं खाएंगे आप किसी की प्लेट में से खाना नहीं खाएंगे तो एक एक रिस्ट्रिक्शंस है ना इसी तरह पेशाब करना और बखाने के लिए जाना एक नॉर्मल काम है मगर उसकी रिस्ट्रिक्शन है आप सबके सामने नहीं करेंगे मुनासिब जगह पर करेंगे उसको प्रॉपर फ्लश करेंगे इसको आप साफ करेंगे बिल्कुल इस तरीके से सेक्स एजुकेशन को भी दिया जाए कि अलबत्ता ये जो है इसके ऊपर ये ये पाबंदियां हैं अच्छा और ये इस तरह अच्छा मेरे ख्याल में मैं मैंने एक्चुअली बहुत सीरियसली सोच रहा हूं कि मैं एक बच्चों को बिठा के एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्चुअली एजुकेशन देता हुआ डेमोस्ट्रेट करूंगा उनको Mm -hmm. मुझे यह करना हो तो यह करूंगा कि मैं उनको चार्ट के जरिए और वीडियो एनिमेशन के जरिए बताऊंगा डिफरेंसेस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल और उनको यह बताऊंगा उनके बाहर में देर इज दिस इज वन ऑर्गन जो कि मेल एक्सटर्नल ऑर्गन है mm -hmm. यह इसके साथ एसोसिएटेड टेस्टिकल्स हैं mm -hmm. और जिस तरह यह वाले ऑर्गन्स हैं तो फीमेल में ये वाले ऑर्गन्स हैं और जिस तरह ये बाहर ऑर्गन्स हैं फीमेल के अंदर यूट्रस है मेल के अंदर प्रोस्टेट है और सेमिनल वेजिकल्स हैं अच्छा इनका क्या काम है तो मैं अपने बच्चों को सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगा कि ये लंग्स हैं यहाँ से हवा आती है यहाँ से वापस जाती है ये हार्ट है ये पम्प करती है। और इसका क्या काम है उसका ये काम है कि इसके अंदर एक सेल्स पैदा होते हैं जिनके जरिए से फिर आगे बेबीज़ पैदा होते हैं Beautiful. लेकिन बात यह है कि चूंकि मामा और बाबा इकट्ठे रहते हैं तो आधी कंट्रीब्यूशन माँ की तरफ से होती है और फादर की तरफ से होती है तो इधर से एक सेल यहाँ ओवरी से प्रोड्यूस होता है वो फिर यहां आता है और फिर जो मेल का सेल होता है उन वो दोनों वहां आके मिलते हैं Welcome. और मिलने के बाद तो ये प्राइमरी नॉलेज जो है ये उनको इस तरीके से देना ये हमें शुरू कर देना चाहिए स्टेप वाइज

कि जैसे ये रिस्ट्रिक्शन है कि किसी की प्लेट से खाना नहीं खाना इसकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसको हमने एग्जिबिट नहीं करना लोगों के सामने बस इसकी रिस्ट्रिक्शन है अदरवाइज ये कोई गंदी जगह नहीं है अदरवाइज ये कोई गंदा ऑर्गन नहीं है तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों को एनेटमी पहले बतानी चाहिए फिर उसकी फंक्शनिंग बताना चाहिए जब वो एक अप्रोप्रिएट एज पे आ जाएं, मसलन बच्चियां जब उस एज में आ जाएं जब उनको मैं शुरू होने वाला है और उन को बहनों को पता लग जाता है आई थिंक दैट इज़ बेस्ट टाइम टीच दैम अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड ऑल द गुड थिंग्स ऑल लेस गुड थिंग्स ऑल दू नो साइड आस्पेक्ट्स ऑफ इट वो उनके साथ डिस्कस करने चाहिए और वालद को अपने या बड़े भाइयों को अपने बच्चों के बार को वो जेनेटिलिया के इर्द गिर्द सफाई करने का तरीका क्या है क्लिनलीनेस को मेनटेन करने का क्या तरीका है hmm. और फिर यह कि सेक्स का क्या रोल है और व्हाट इज सो प्लेजेंट अबाउट इट एंड व्हाट इज सो फॉरबिडन अबाउट इट इसके बारे में उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है तो ये हम इस तरह करके स्टेप वाइज कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं और इसमें जो सबसे अहम बात होगी इस करने का एक फायदा ये होगा कि आपकी और बच्चों के दरमियान एक बेतकल्लुफी हो जाएगी एक फ्रैंकनेस हो जाएगी और आपने इतना बताने के बाद यह कहना है कि बेटा इस सिलसिले में अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई बंदा आपको कोई कहे तो आपने मुझे बता जरूर देना है ये बहुत अच्छी बात है वेस्ट में जो सबसे अहम बात पेरेंट्स को सीखने की है वो सिर्फ यह है कि आप चाहे आपको डर है ना कि आपका बच्चा ड्रग्स में ना इन्वॉल्व हो जाए आपका बच्चा किसी क्राइम की एक्टिविटी में ना अटैच हो जाए देख लें फोन सुन लीजिए कोई बात नहीं ओके okay. आपका बच्चा जो है किसी क्राइम में ना इन्वॉल्व हो जाए किसी गैंग का हिस्सा ना बन जाए तो ये डर है ना अच्छा अब ये तो जाहिर है वो पीयर प्रेशर की वजह से एक तो है लेकिन अगर आपको ये यकीन होगा कि जब पहली दफा किसी ने उसको भरी हुई सिगरेट दी थी तो उसने आके आपको बताया कि बाबा आज कुछ लड़के सिगरेट पी रहे थे तो मुझे भी उन्होंने सिगरेट दी थी अगर उसने इतना बता दिया यू आर डूइंग अ ग्रेट पेरेंटिंग क्योंकि अब आप जो है एटलीस्ट इस पोजिशन और इस वक्त बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे के अंदर ही इंक्विजिटिविटी होती है तजस्सुस होता है जब बच्चे ने कहा मैंने सिगरेट पी है या कोई उसने और वेस्ट में आके कोई सेक्स से रिलेटेड किसी किस्म का आपके साथ शेयर किया और एक थप्पड़ पड़ा उसके मुंह के ऊपर या उसको एक शर्ट ऑफ कॉल दे दी गई इसका सिर्फ एक मतलब है कि अब वो इन शाह कि वो ना जरूर इसमें इंडल्ज होगा सही बात है थीक थीक है ठीक आपने उसको आ... एक तरह की उसको उसके अंदर एक तजस कर दिया वो उसमें जरूर इंडल्ज होगा मे, मेरे ये ख्याल में अगर मैं मुझसे आप पूछें कि अगर आपका बच्चा ये कह के आए कि वहां एक आदमी था और वो सिगरेट पी रहा था तो अच्छा वो सिगरेट पी रहा था तो मुझे बताओ उसके बारे में और कुछ मुझे जरा कुछ और बताओ एंड देन विद दिस कन्वर्सेशन वेयर ही इज नॉट स्ट्रेस्ड वी कैन टेल दम कि वो सिगरेट की डब्बी है ना देखो उस उसमें क्या लिखा होता है कि इट इज कैंसर

अगर हमारे मेंटेन है ना और बच्चे की लर्निंग अगर स्लो भी है थोड़ी सी तो इट इज एक्सेप्टेबल तो ये मेरे कुछ ख्याल हैं बाकी इंडिविजुअल केस वेरी करता है जो अगर आप मुझे बॉटम लाइन कहें वो यही है नंबर वन नेवर एवर लूज अ रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड योर चाइल्ड शुड हैव अ हंड्रेड परसेंट ट्रस्ट ऑन यू